माता मरियम ने यीशु के बलिदान पर विचार करते हुए उनके पुनरुत्थान की आशा में प्रतीक्षा की। पुण्य शुक्रवार के तुरंत बाद पुनरुत्थान के दृश्य में जाना हमारे लिए आकर्षित है, लेकिन शनिवार की शांति ईसाई धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस शनिवार की खामोशी पर विचार करने की जरूरत है। हमारे उद्धारकर्ता की क्रूर मृत्यु हुई और उसके टूटे हुए शरीर को कब्र में रखा गया। उनके शिष्य भविष्य के भाई से बिखर गए, लेकिन मां मरियम ने कब्र पर प्रतीक्षा की और आशा में प्रतीक्षा की। वह जानती थी उसका पुत्र यीशु जी उठेगा। वह इस आशा से बाट जोड़ती रही कि वह अंधों और लंगड़ों को चंगा किया और मरे हुए लाजरस को जिलाया, वह निश्चय ही जी उठेगा। कैथोलिक कैलेंडर में शनिवार का दिन धन्य माता मरियम के समर्पित किया गया है। यह एक रूप से उसके प्रभु के पुनरुत्थान की आशा में प्रतीक्षा करने का कारण है। इसलिए पवित्र शनिवार हमारे लिए माता मरियम के विचारशील हृदय पर विचार करने के लिए आदर्श है। पवित्र बाइबल में हमें कई बार बताया गया है कि मां मरियम ने प्रभु के शब्दों पर विचार किया। वह उन कुछ लोगों में से एक है जो यीशु की पीड़ा और मृत्यु में उसके साथ खड़ी रही। वह जो पूर्ण बलिदान पर विचार करते हुए क्रूस के नीचे खड़ी थी। धन्य माँ ने उनके मृत शरीर को अपने गोद में रखा और सोचा कि उनकी आत्मा कहाँ चली गई, और आज वह उसके पास उसकी वापसी पर विचार करते हुए जागती रहती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के इस पुण्य शनिवार के दिन हम माँ मरियम की चिंतनशील हृदय पर विचार करें, अपने दिल को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करें, यह समझने की कोशिश करें कि वह क्या सोच रही थी और क्या उम्मीद कर रही थी। इस दुखद दिन पर उसने क्या महसूस किया, उसे महसूस करने की कोशिश करें। उसके विश्वास, उसके भरोसे और उसकी आनंदपूर्ण अपेक्षा का अनुभव करने का प्रयास करें।